अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये डोलस का फ्रिज है, उसका डायर जो है वो लीक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें और लाइक भी कर दें। ये यहाँ से फिंटा से देखो, यहाँ से एल आया हुआ है और जहाँ भी इसका लीकेज होगा वहीं से एल निकलता है। ये देखो बिल्कुल एल इसका बाहर आ रहा है, ये टांका इसका बिल्कुल लीक है। ये पूरा डायर जो इसका एल से भरा हुआ है, नीचे का टांगा इसका लीक है। अभी इसकी सेटिंग भी इसकी जो है चेंज करनी है, इसको ये सीधा रखना है डायर को, ये सीधा कर दिया। इससे जो है ना कैपिलरी की तरफ कचरा नहीं जाएगा, अब कचरा नीचे बैठ जाएगा तो कैपिलरी चोक नहीं होती। तो कैपिलरी में चोक तभी आता है जब इसमें कचरा चला जाए, तो फिर चोकिंग फॉल्ट आ जाता है। अभी इसका जो फिल्टर है ये निकाल देंगे, इससे दूसरा फिल्टर लगाएंगे और इस तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे। इसके पूरा कंडेंसर है और कहीं से भी लीकेज नहीं है, खाली ये डायर से ये लीकेज है। इसका डायर जो है चेंज कर देंगे, ये इसके डायर निकाल दिया, अभी दूसरा डायर इसमें दोबारा लगा देंगे। कैपिलरी को इस तरीके से बिल्कुल साफ करें, साफ करके फिर आगे से इसकी कटर से काट दें। देखो डायर लगा दिया और अच्छे तरीके से टांगा भी लगा दिया। डायर जो है इसी सेटिंग में रखना है ताकि जो कचरा हो वो बैठ जाए, वो कैपिलरी के अंदर नहीं जाएगा तो चौके फल नहीं आएगा। कम चांस होते हैं चौके फल्ट के इस तरीके से। भारी है। वैक्यूम पंप से पहले 10 मिनट मुझे इसको वैक्यूम करना है। खुदा बनाएंगे जाओ। 10-15 मिनट इसको वैक्यूम लाजमी करें ताकि ये इसके एयर जो है सब बाहर आ जाए और कूलिंग भी सही करेगा। दरवाजा हो जाएगा उतरा, तो ये हर नंबरों पे आ जाएगा, नीचे 0 से भी नीचे आएगी। ये देखिए बिल्कुल वो हर नंबर जो है इसके एंड में ये सही आ गया, ये हमारा वैक्यूम बिल्कुल हो गया। अच्छी तरीके से वैक्यूम करेंगे तो कूलिंग सही होगा। वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस का प्रेशर छोड़ दें, 30 या 40 का इसका प्रेशर छोड़ना है स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद फिर स्टार्ट कर दें, तो इसके अंदर ठीक है चेक करनी है। ज़्यादा से 10 से ऊपर इसके गैस का प्रेशर रहे और ज़्यादा गैस डालोगे तो फिर कम प्रेशर ठीक होगा, वो कूलिंग भी नहीं करेगा। ये 3-4 का प्रेशर हो गया, सुबह तकरीबन 10 का प्रेशर कर दूंगा मैं। पक्का बंद करें, पक्का बंद करा। फिर कोई ऐसे ऐसे इसकी गैस ही चार्ज करनी है। अल्लाह हाफिज़।